अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू परिष्कार ऑनलाइन एकेडमी। मैं सोनी विजयवर्गीय और आज हम फिर से जुड़ रहे हैं हमारे नए लेक्चर के साथ। हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेस्ड है आर्टिकल्स पे, क्योंकि हमने बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने हैं अभी और कुछ हमने करे भी हैं अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में। तो जो हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो कुछ भी आ सकता है ग्रामर में से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो आज उसी के बेस पे आज हम करने वाले हैं आर्टिकल्स। देखिये, आर्टिकल्स जो है हमारा वैसे बहुत ईजी टॉपिक है, सिर्फ हमें ये चुनना होता है, थ्री वर्ड्स होते हैं, उन थ्री वर्ड्स में से किसको चुनना है, किसको अवॉइड करना है, इसी का हम सारा गेम है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें भी मिस्टेक हो जाती है, तो उन मिस्टेक्स से हमें किस तरीके से बचना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम फॉलो करने से उन मिस्टेक्स से बच सकते हैं, उन्हीं को आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। देखिये, आर्टिकल सबसे पहले होता क्या है, अगर हम देखें आर्टिकल्स, मुझे जहां तक पता है कि आजकल क्लास वन में भी ग्रामर में आर्टिकल्स होते हैं, क्लास टू में भी, तो यानी कि हम बिल्कुल स्टार्ट लेवल से आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और आज आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जो आप अपने सारी डिग्रीज करने के बाद देते हैं उसमें भी आर्टिकल्स का इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्या ऐसी चीज है जो हमें फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक नहीं आ पाई है, तो सबसे पहले बेस के बारे में पता करते हैं आर्टिकल्स क्या होता है। देखिये, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं तीन लेटर्स, अगर मैं बात करूं ए, एन और द, यही हमारे आर्टिकल्स हैं। इसमें से जो ए है और जो एन है ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं और द जो है वो अलग कैटेगरी का है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है, पीपीटी में लिखा हुआ नहीं है। द जो है हमारा वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, ये भी पीपीटी में नहीं लिखा क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनको जानना, लेकिन बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। और ए और एन जो है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए, इनका नाम डेफिनेट और इनडेफिनेट क्यों है इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली अगर आपसे कोई पूछता है आर यू कमिंग टू द कॉलेज, डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से आप आ रहे हैं। तो जहां चीजें निश्चित हैं, फिक्स्ड हैं, वहां हम यूज करते हैं द का, जैसे कि द मैन स्टैंडिंग देयर, वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है, राइट, द मैन, उसी निश्चित पर्सन की बात कर रही हूं मैं, तो दैट इज द निश्चित है। लेकिन मैं बोलूं अ मैन फ्रॉम द क्राउड, भीड़ में से कोई एक, अ मैन फ्रॉम द क्राउड थ्रोज स्टोन, पत्थर फेंक रहा है कोई भी एक पर्सन भीड़ में से, हमें नहीं पता, तो वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट डेफिनेट, वी आर नॉट निश्चित। जहां हम श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है, सर्टन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, वहां हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं ए और एन, और जहां हम बिल्कुल श्योर होते हैं वहां हम यूज करते हैं द का। द को बहुत सारे और रीजंस के कारण भी डेफिनेट बोला जाता है, क्योंकि कोई बहुत सारी चीजें जो फिक्स्ड है उनके साथ ही हम द का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं रिवर्स, द गंगा रिवर, ऐसे अगर नेम है तो निश्चित है वहां पे हम इसका यूज करते हैं, लेकिन ए गंगा रिवर नहीं, बिकॉज दे आर नॉट मैनी। तो ये हम किसके साथ यूज करते हैं, जहां पे चीजें काउंट कर सके। ए और एन की अगर हम बात करें तो आपको पता है ए और एन दोनों का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है, दोनों का मीनिंग वन होता है, वन यानी एक, यानी कि चीजें अगर सिंगुलर है, अकेली है, तो ही हम उनके साथ ए या एन का यूज करेंगे, यानी किसी भी कंडीशन में प्लूरल नाउन्स के साथ ए या एन का यूज नहीं होता है। लेकिन जो हमारा द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन उसका सिंगुलर और से प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये चीजें यहां पे क्लियर है। आइए अब हम चलते हैं डेफिनेट इनडेफिनेट के अलावा ए और एन पे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ए और एन को। देखिए, ए और एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। देखिए, समझ में आ गया, नाउन हमेशा ध्यान रखिए, आर्टिकल सिर्फ नाउन के पहले ही लगेंगे। नाउन इज अ नेम, ठीक है, नाउन एक नाम है, वो चाहे पर्सन का हो, चाहे आइडिया का हो, चाहे फीलिंग्स का हो, चाहे इमोशंस का हो, कुछ भी हो, लेकिन नाम होता है, चाहे दीवार हो, चाहे घड़ी हो, कुछ भी हो, सब कुछ नाम है। तो जहां नाम है वो नाउन है, और जहां नाउन है उसके पहले ही आर्टिकल लगता है। तो सबसे पहले एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि यहां पे आर्टिकल का फिक्स हो सकता है, तो यू हैव टू सर्च फॉर नाउन,
आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो पहली चीज ए एन, और दूसरी चीज यहां पे क्या बोला जा रहा है कि सिंगुलर और काउंटेबल, दो तीन बातें हैं यहां पे जो हमें देखनी है। सिंगुलर यानी एक वचन, काउंटेबल जिसको गिना जा सके। हाँ, अगर मैं यहां पे लिखूं अ न्यूज यू गेव मी, राइट, अगर ऐसे का कोई सेंटेंस है ना, तो ये जो न्यूज है ना बेटा, इसके पहले मैंने अ लिखा है, दिस इज रॉन्ग। अभी रॉन्ग क्यों है, क्योंकि न्यूज जो है वो काउंटेबल नहीं है बल्कि अनकाउंटेबल है। आपको पता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, और उनमें हमें सिर्फ एस या ईएस देख के नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं उनके पीछे। आपने नाउन अगर कभी पढ़ा है तो नाउन में जैसे सिजर्स होता है, सिजर्स में एस लगता है लेकिन वो पेयर नाउन है, राइट, प्लूरल होता है हमेशा, उसका सिंगुलर होता ही नहीं, जैसे जीन्स का सिंगुलर नहीं होता। इसी तरीके से न्यूज जो है वो सिंगुलर ही है। अगर हम सीनरी देखें तो वो सिंगुलर ही होता है लेकिन अनकाउंटेबल है, उस ये न्यूज जो है सिंगुलर है पर अनकाउंटेबल है, तो इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं माना जाता, तो इसके साथ ए नहीं लगता। द लग सकता है किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष परिस्थिति में, लेकिन अ या एन नहीं लगेगा, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि काउंटेबल के साथ हमें इनको यूज करना है, और काउंटेबल में भी सिंगल, बॉय जो है हमारा वो काउंटेबल है लेकिन अगर इसके साथ एस लगा हुआ है तो अ नहीं आएगा, राइट। यही हमें यहां पे देखना है, पहली लाइन में तो यही देखना है, ठीक है। आइए अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, सिंगर, मोहन क्या है, सिंगर है, सिंगर यानी गायक, नाउन है और नाउन के पहले ये लगा हुआ है, राइट। दूसरी बात आगे आपको समझ में, ए जो है हमारा आर्टिकल है और सिंगर जो है हमारा नाउन है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगर्स होता है, राइट। देखो आपको अगर नहीं आता ये पहचान में कि काउंटेबल है या नहीं है, तो हम सिंपल सी बात ऐसे देखें, क्या हम इसके साथ एस या ईएस लगा सकते हैं, अगर लगा सकते हैं तो ये सिंगुलर है। क्या इसके पहले ए या एन लग सकता है, अगर लग सकता है तो ये काउंटेबल है, और नहीं लग सकता है तो ये काउंटेबल नहीं है, राइट। इस तरीके से, तो अगर आपको ये मिल गया है तो ये काउंटेबल है और मिल जाता है। जैसे न्यूज, आपने कभी नहीं सुना होगा कि न्यूजेस, ऑल द न्यूजेस यू हैव गिवन मी, रॉन्ग है सेंटेंस, देयर इज नो सच वर्ड। तो मैंने बोला एस या ईएस नहीं लग सकता, इसलिए वो अनकाउंटेबल है, उसका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, तो वहां पे हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे, राइट। बहुत छोटी सी चीज है, हो सकता है आपको पता हो, इनकेस नहीं पता हो तो आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम इन दो चीजों से पहचान सकते हैं, या तो हम उस पे एस या ईएस लगाएं या हम उसके साथ ए या एन का यूज करें या ना करें, इन दोनों में से कुछ भी, दोनों में से एक भी समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तीसरी भी चीज देख लीजिए, इसके साथ आप वन या टू या थ्री ऐसे नंबर्स भी नहीं जोड़ सकते, वन न्यूज टू न्यूज गलत है। अगर आप नाउन को थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अ पीस ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसे करके हम यूज करते हैं। जहां पे भी अनकाउंटेबल आ जाता है ना नाउन, तो उसको हम वन न्यूज टू न्यूज नहीं बताते, वन पीस ऑफ न्यूज आई गॉट, इस तरीके से, राइट। आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ एग्जाम्पल्स और होंगे यहाँ पे, जैसे कि दिस इज एन एप्पल, तो एन एप्पल, ए और एन में क्या फर्क है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे अभी। अभी के लिए हम देखें एन जो है हमारा वो क्या है, आर्टिकल है, और एप्पल जो है हमारा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल। इज इट क्लियर, क्योंकि एप्पल जो है उसमें एस लगता है, एस या ईएस होता है, एप्पल एक, एप्पल्स बहुत सारे, राइट, या एक से ज्यादा। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में, क्या करेंगे आप अभी सिर्फ कोशिश करें कि आप निकाल सकते हैं। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। अब देखिए सबसे पहले आपको आर्टिकल्स में मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया है, अब आपके एग्जाम में आ गया फॉर सपोज, है ना, तो अभी यहाँ पे ये क्लियर है कि आर्टिकल्स में दिया है, यानी कि एरर जो है, यानी गलती जो है वो आपको नाउन के पहले ढूंढनी है। सर्च फॉर द नाउन, सबसे पहले नाउन सर्च करिए। देखिए रवि इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। यू कैन राइट इट अ रवि, अ मोहन, ऐसे नहीं होता, राइट। तो पहली बात, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आगे देखते हैं, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब। अब देखिए जॉब जो है यानी नौकरी, नौकरी किसी चीज का नाम है, उस चीज का नाम है जो हम पूरे दिन कोई काम करते हैं उसको नौकरी बोला जाता है, तो इट इज अगेन अ नाउन। इन एनी ऑफिस, ऑफिस एक जगह का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। नाम चाहे जगह हो, चाहे प्लेस हो, चाहे
वस्तु हो चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति हो, तो वो सब नाउन होता है। ये व्यक्ति, ये जगह और ये एक कार्य का नाम है, राइट। तो देखिए तीन नाउन्स हैं, किसमें आपको आर्टिकल्स लगाने हैं बस ये देखना है। अगर आपको लग रहा है कहीं ऐसा भी हो सकता है ज्यादा लगा हो, और ऐसा लगा ऐसा हो सकता है कि लगा नहीं हो, हमें लगाना है। तो देखिए रवि प्रेफर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहां तो नहीं लगेगा, तो दिस वन इज करेक्ट। दूसरा जो है हमारा वो जॉब है, टू जॉब। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अपना एम्प्लॉयमेंट करना, अपना व्यापार करना, राइट। टू जॉब, नौकरी करने के बजाय इन एनी ऑफिस, किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में काम करने के बजाय वो अपने बिजनेस को, अपने एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा प्रेफर करता है, राइट। तो अब बताइए जॉब जो है हमारा इसमें लग सकता है या ऑफिस में। इन एनी, एनी देखो एनी क्या है, एनी इज अ डिटर्मिनर। देखिए एनी के बाद एनी इज डिटर्मिनर, और अगर आपने डिटेल में कभी डिटर्मिनर्स पढ़े हो तो आपको पता लगेगा आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स हैं, आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स हैं, और दो डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं लगते। यानी ऑफिस के पहले भी हमें एनी अ ऑफिस या एनी एन ऑफिस, गलत, तो दो डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं लगते, इसलिए यहां पे भी नहीं आएगा, तो हमारा ये वाला बचता है। अब देखो मैं इसको बताती हूँ आपको, देखिए इसका आंसर, इस प्रश्न का पार्ट सी गलत है, ये पार्ट सी दिस इज, है ना, क्योंकि जॉब जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आपको कैसे जज करना था, देखिए जॉब जो है उसको आप चेक करिए, क्या हम इसके साथ एस या ईएस लगा सकते हैं, क्या आपने सुना जॉब्स, आई हैव सीन मैनी जॉब्स, मैंने बहुत सारे जॉब्स देखे हैं, कार्य देखे हैं, तो ये एस जो है इस पे फिट बैठ रहा है, यानी एस फिट बैठने का मतलब है इट इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन की दूसरी पहचान इसमें ए या एन लग सकता है जरूरत के मुताबिक। तो यहाँ पे ए जो है हमारा फिट होना चाहिए था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होगा, अतः सही प्रयोग अ जॉब होगा, राइट। तो अ जॉब शुड बी हियर, आंसर हमें समझ में आया आपको कि इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए दूसरा, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन अ स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। अब आपको सबसे पहले, क्योंकि आर्टिकल्स हैं, आपको सबसे पहले ढूंढना है कहाँ गलती हो सकती है, और गलती कहाँ होगी आर्टिकल्स फाइंड आउट करने में, पता है आपको, नाउन ढूंढिए सबसे पहले। देखो रेनी इज अ नाउन, रेनी बारिश, डे इज अ नाउन, मोस्ट ऑफ द पीपल इज द नाउन लोग, आउट ऑन द स्ट्रीट गली नाउन है, कैरिंग अम्ब्रेलाज नाउन है, राइट। कितने नाउन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नाउन हैं। अब आपको ढूंढना है कि कहां पे आपको आर्टिकल ए या एन लगाना है, क्योंकि अभी हमने इतना ही पढ़ा है बेटा। इट बीइंग रेनी डे, बारिश के दिन होने के कारण मोस्ट ऑफ द पीपल, देखिए पीपल के पहले द लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे अ नहीं लगाना है, यानी ये करेक्ट है। ऑन द स्ट्रीट करेक्ट है, राइट, यहाँ पे भी नहीं लगेगा क्योंकि द आ गया। बेटा ध्यान से देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको चार जगह नाउन दिख रहा है, लेकिन जो पहले प्लेस को छोड़ के अगर हम दूसरे प्लेस पे आ गए, तो दूसरे प्लेस पे एक आर्टिकल पहले से स्थापित है, तो वहां पे हमें आर्टिकल नहीं लगाने का। सेकेंड नंबर पे भी यही हुआ, आर्टिकल ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमें नहीं लगाना। लास्ट पे अगर हम जाए तो अम्ब्रेलास जो है वो प्लूरल है, समझ में आ रहा, छाते, बहुत, क्योंकि रेनी डे था, बारिश वाला दिन था, तो बहुत सारे लोग गलियों में छाते लेकर चल रहे थे, तो छाते सिंगुलर है ही नहीं, ए या एन का यूज कहां किया जाता है, सिंगुलर में, तो यहां पे भी हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा, तो हमारा आर्टिकल इन दोनों में से किसी के पहले लगेगा। अब किसके पहले लगेगा, या तो हो सकता है इट बीइंग अ रेनी डे, या हो सकता है इट बीइंग रेनी अ डे, क्या सही मानते हैं आप बताएं, आप कोशिश करें, आई एम सॉरी, देखिए क्या सही होगा, ये रेनी जो है ना बेटा, रेनी डे बारिश का दिन, ये तो एक फ्रेज हो गया, इडियम हो गया, तो हमें क्या करना है, अ रेनी डे करना है इसको, क्योंकि ये दोनों जो है ना, इनके बीच को तोड़ के हम आर्टिकल थोड़ी लगाते हैं। आर्टिकल लगता है जब दो कंपाउंड नाउन्स आ रहे हैं एक साथ, ये कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं, जब अगर एक साथ ही एक ही विचार को व्यक्त कर रहे हो, तो इनके पहले आर्टिकल लगता है, तो यहां पे हमारा आर्टिकल लगेगा, राइट। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं, देखिए इडियम्स का यूज है यहाँ पे कि ए और एन जो है हमारा
मतलब ये बता रहे हैं कुछ खास ऐसे जोड़े होते हैं, जुड़े हुए शब्द होते हैं। ईडियम किसको कहा जाता है? वैसे तो ईडियम जो है मुहावरों को कहा जाता है बेटा, लेकिन ईडियम के अलावा आप यहाँ पे फ्रेज भी लिख लीजिए बेटा, कि कुछ फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजेस भी लिख लीजिए, यानी कि कुछ या तो मुहावरे होते हैं या कुछ वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश होते हैं, इसको हिंदी में वाक्यांश कहा जाता है। तो कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जो साथ में ही आते हैं, तो उनके पास हमारे ए या एन लगते ही लगते हैं। जैसे अ ग्रेट डील ऑफ, ब्रैकेट में इसलिए कि हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, राइट। तो ग्रेट डील कभी भी अकेले नहीं आता, अ उसके साथ ही आता है। इसी तरीके से गुड मैनी के साथ हमेशा अ आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, गुड डील ऑफ अ आएगा, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट नंबर ऑफ, इस तरीके के सुने आपने फ्रेज, तो वहां पे अ हमेशा आता है। तो ये हम, मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि इन सब जगहों पे ए आता ही आता है हमारा आर्टिकल। लार्ज क्वांटिटी, अकेला नहीं, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बसेस आर देयर इन द बस स्टैंड। बस स्टैंड में बहुत सारी संख्या में, एक बड़ी संख्या में बसेस रहती हैं। तो एक बड़ी संख्या के लिए एक आया है यहाँ पे। अ लार्ज नंबर ऑफ, सेम बात है यहाँ पे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत बड़े अमाउंट में, मात्रा में। अ ग्रेट नंबर ऑफ, बहुत सारी संख्या में। इस तरीके से मतलब ये था कि जितने भी फ्रेज लिखे हुए यहाँ पे, वाक्यांश लिखे हुए, इनमें क्या करना है हमें ये ध्यान रखना है, अगर ये आया तो इनके पहले ए ए ए आएगा ही आएगा। दिस यू हैव टू कीप हियर, आपको ये यहाँ पे रखना है। आइए थोड़ा सा और आगे, कुछ और इडियम्स होते हैं बेटा, आई विल शो यू। देखिए बता रही हूं मैं आपको कुछ सम मोर और एक्सप्रेशंस कुछ और। देखिए यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे वर्ड है, जैसे पहले ईट अ हम्बल पाई, हम्बल पाई मतलब नम्र, विनम्र होके रहना है ना, ये एक मुहावरा है कि हम्बल पाई खाना यानी ठंडा खाना विनम्र होके। इना हरी, जल्दी में होना। इना डायलमा, डायलमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, उलझन, उलझन में रहना। इना रेज, गुस्से में रहना। इना मूड, मूड में रहना। इना टेम्पर, गुस्से में रहना। एट अ लॉस, हानि में रहना। हैव अ ड्रिंक, कुछ पीना। हैव अ रेस्ट, आराम करना। ये जितने भी शब्द हैं, इन सब के बीच में कॉमन क्या है बेटा, ये दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि जब भी ये वाले वाक्यांश आते हैं तो ये जितने भी वाक्यांश हैं, इन सारे वाक्यांशों में ए जो हमारा आर्टिकल है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो आपके एग्जाम में हो सकता है कि कोई सेंटेंस आए जिसमें, जैसे शी वॉज इन टेम्पर टूडे, शी वॉज इन टेम्पर टूडे, तो यहाँ पे मैंने क्या गलती की है, आपको समझ में आ रहा है? मैं वापस बोल रही हूँ, शी वॉज इन टेम्पर टूडे, ये बोला मैंने है ना, शी वॉज इन टेम्पर, तो ऐसा बोला मैंने, बताइए क्या गलती की? Did you get the mistake? क्या आपको मिस्टेक मिली? मैंने गलती ये की कि इन टेम्पर लिख दिया ऐसे, जबकि कैसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, इन अ टेम्पर। तो हमें बस यही एग्जाम में भी ढूंढना है कि ये वाले जो है ना फिक्स्ड है, आते ही एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि हमें तो याद नहीं रहता ना, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो आधी तो भूल जाते हैं, तो दिस हैज टू बी रिमेम्बर। आप रटिए नहीं, आप सिंपल सा काम करिए, जो चीजें याद नहीं होती उन्हें छोड़ दीजिए, डू नॉट लर्न। पता है क्या करने का, सिर्फ उसको रीड करिए, हर रोज कागज निकालिए, पढ़िए, छोड़ दीजिए, बहुत है, एग्जाम में याद रहता है, क्योंकि वहां हमें बहुत फोर्स रहता है हमारे ऊपर, तो हमें ये सब चीजें याद रहती है, इसलिए आप सिर्फ रोजाना पढ़िए इन्हें। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखें, हैव अ वॉक, वॉक पे जाना, गो फॉर अ वॉक, सेम मीनिंग है। वॉक यानी समझ में आ रहा है, भ्रमण, घूमना, जो छोटी मोटी ऐसे निकलते हैं अपन शाम को। हैव अ हेडेक, सर दर्द होना। हैव अ स्लीप, सो जाओ ऐसे बोलना। हैव अ ड्रीम, सपने देखना। Have a chat, बात करना। Have a quarrel, let's have a quarrel, ये कैसे सेंटेंस है, चलो लड़ते हैं, ये बोल रहा है। तो देखिए, have a quarrel में भी अ आया है। Have a fight, चलो लड़ते हैं। Make a noise, शोर करते हैं या शोर करें। इन सब में भी कॉमन क्या है, ये ए, और आपके एग्जाम में फिर ऐसा, I told my friends, समझ में आ रहा है, I told my friends to make a नॉइज, मैंने अपने फ्रेंड्स को शोर करने के लिए कहा, तो मेक नॉइज अगर बोल दिया मैंने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें लगेगा अरे बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्त बहुत सारे हैं तो एक ही शोर थोड़ी करेंगे, तो हमने ए हटा दिया, दिमाग लगा लिया, लेकिन वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि नॉइज जो है वो कभी भी अकेला नहीं आता, आर्टिकल के साथ आता है, राइट। इसी के साथ चलते हैं थोड़ा और आगे। टेक अ रिस्क, रिस्क लेना, रिस्क समझते हैं, रिस्क लेना यानी हिंदी में क्या होता है,
तो रिस्क यानी जोखिम लेना, जोखिम उठाना, टेक अ हिंट, हिंट यानी होता है हिंट मिल जाना, कहीं से हमें छोटी सी हिंट मिल गई, कोई जानकारी मिल गई छोटी सी, है ना, उसके ऊपर काम करना। टेक अ रेस्ट, वही हैवा रेस्ट आया था अभी, आराम करना। टेक अ मील, मील यानी होता है खाना, खाना खाना। हैव अ गुड या बैड एजुकेशन, या लगा दिया ना, मतलब या तो गुड भी हो सकता है या बैड भी, खराब शिक्षा लेना या अच्छी शिक्षा लेना। गेट या गिव या अवार्ड अ स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति लेना, मिलना, पाना। देखिए जैसे यहाँ पे था ना टेक अ रेस्ट, है ना, पीछे आया था हैव अ रेस्ट, यहाँ पे आया टेक अ रेस्ट, तो या तो हैव आ सकता है या टेक आ सकता है। उसी तरीके से इन दोनों में भी दो ऑप्शंस थे, दोनों में से कोई भी आ सकते। तो ये सारे वो एक्सप्रेशंस थे, वाक्यांश थे। आप यहाँ पे वो लिख लीजिए ऐसे करके, एक्सप्रेशन की जगह फ्रेजेस, कि ये सब क्या है, एक्चुअली में वो वाक्यांश हैं जिनमें आर्टिकल निश्चित रूप से होता ही है, और इनके आर्टिकल्स को हटा के एग्जाम में प्रॉब्लम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें थोड़ा सा आगे, ये देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, इवन दो आर टीम टुक द फील्ड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, कि जबकि हमारा जो टीम था उन्होंने फील्ड पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया, आत्मविश्वास दिखाया, द ऑपोजिशन, द विरोधी, जो विरोधी थे उन्होंने इन्हें ईट द हम्बल पाए कह दिया, विनम्र रहने के लिए कह दिया, कुछ नहीं चलेगा, तुम अपना विनम्रता से काम लो, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। नाउ दिस इज अंडरलाइन, अभी अंडरलाइन है ना द सेंटेंस, आपको नहीं समझ में आ रहा सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी तो मैंने समझा दिया, मान लो यही आपके एग्जाम में आ जाता, अब हमारे दिमाग में इंग्लिश इतनी आती नहीं, हमें मीनिंग समझ में आते नहीं, तो व्हाट टू डू, आपको इन मीनिंग्स पे नहीं जाने का, बिकॉज मीनिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हमें क्या करना, देखो ये द हम्बल पाई मिल गया हमें, ये अंडरलाइन मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाए कि इसको हमें, ये हमारा वही वाक्यांश है जो मैम ने उस दिन बताया था। देखिए आप अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे तो आपको मिलेगा ईट अ हम्बल पाई, और अ मिलेगा, और यहां गलती क्या है, द रखा है। तो हमें सिंपल सी बात है, इस सेक्शन में क्या करना है, देखिए यू हैव ऑप्शन 1, 2, 3, 4, कौन कौन से आंसर्स आपको सही लग रहे हैं, क्या बी होना चाहिए, क्या सी होना चाहिए, या ए होना चाहिए, या डी होना चाहिए। अब मैं पहले ही आंसर बता चुकी हूं, तो द आंसर इज करेक्ट, आप समझ चुके हैं क्या आंसर, राइट। तो अ हम्बल पाए इज द राइट आंसर, क्योंकि इट इज अ फ्रेज जो कभी चेंज नहीं होगा, इसके साथ एक फिक्स आर्टिकल है जो लगेगा, किसी भी सिचुएशन में द नहीं आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, नाउ फाइंड इट आउट, देखिए क्या मिस्टेक है। आप पूरा पढ़ने के बजाय सबसे पहले ढूंढिए नाउन्स या फिर ढूंढिए वाक्यांश, दोनों में से एक चीज ढूंढिए और आप ढूंढिए क्विक। चलिए आप पूरा मत पढ़िए, पूरे मीनिंग्स को मत देखिए, क्योंकि एग्जाम में जो सेंटेंसेस आते हैं, जो वाक्य आते हैं, वो टफ आते हैं। और वो टफ क्यों आते हैं, क्योंकि आप उसमें उलझ जाओ और आप अपनी जो आपको काम करना है आप उसको भूल जाओ, राइट, ताकि आप, मतलब यही तो कॉम्पिटिशन है, यही आपको टफ बना देता है। तो आप इनमें बिल्कुल मत पढ़िए, आप तो ढूंढिए कि एक तो नाउन कहाँ है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, एक तो ये नाउन है, नेम है ना, नाउन हो गया। हैबिट यानी आदत, ये भी नाउन है, किसी चीज की आदत। वर्क, ये भी नाउन है, काम। कलीग्स यानी साथ काम करने वाले, ये भी नाउन है। अ लॉट ऑफ ट्रबल यानी परेशानी, ओ मैंने टू लिखा था, अ बोल दिया मैंने, बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी। तो 3, 4, 5 नाउन हो गए। अब इनमें आपको या तो ढूंढना है कि या तो आप इस तरह आर्टिकल फिक्स कर दें, या आपको कोई वाक्यांश मिल जाए। तो आपको हिंट मिल चुकी है मेरे ख्याल से, बताइए क्या आंसर है। देखिये लॉट मिला आपको, लॉट मिलते ही आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि लॉट ऑफ ट्रबल्स, लॉट ऑफ वर्क होता है ना, पर लॉट के पहले अ आता है, अ लॉट ऑफ, या तो अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, कभी भी लॉट ऑफ नहीं आता, कीप इट इन अ माइंड। तो द आंसर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत सारी परेशानियां, राइट। आगे चलते हैं, अब हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे, अभी तो हमने सिर्फ देखा आर्टिकल्स का यूज क्या होता है, अब हम देखते हैं सबसे पहले ए और एन का अंतर, जो वैसे आपको मालूम है, तो हम बहुत जल्दी से करेंगे इसको, फिर आगे हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ए और एन बहुत सिंपल है, ए का प्रयोग जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड यानी ध्वनि। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हमें स्कूल में ये सिखाया जाता है कि वे शब्द जो ए ई आई ओ से यू से शुरू होते हैं उनके पहले तो हम लगाना चाहिए हमें एन, और बाकी जितने भी शब्द हैं उन्हें हमें शुरू करना चाहिए ए से, जैसे कि ए बुक, राइट, ओ सॉरी बुक लिखना था, बुक, या अ
जू, चाहे ए से जेड तक कोई भी शब्द आए, अगर वो इनके अलावा से शुरू हो रहा है तो हमें ए लगाना था, लेकिन ये सिस्टम आपको पता है गलत है। हमें लेटर नहीं देखना होता है, हमें जो देखना होता है वो होता है ध्वनि, साउंड, राइट। हमें क्या देखना है, ये देखना है कि हमारा जो शब्द है, जैसे कि मैं अगर लिखूं वन, है ना, ओ एन ई वन, अगर मैं आपको ये देखना है कि जो वन है ना ये इससे स्टार्ट हो रहा है क्या, ये नहीं देखना है। जैसे ये जो है ना ये बोल क्या रहा है, ये क्या बोल रहा है, व न वन बोल रहा है। अब देखो ये व जो है, हिंदी देखो, हिंदी से इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि बहुत आराम से समझ में आएगा, ये जो व है क्या ये हमारा स्वर में आता है क्या, व्यंजन में आता है ना, तो जब ये व्यंजन में आता है तो इसके पहले एन आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि व्यंजन में आता है तो इसके पहले अ आर्टिकल लगेगा, क्योंकि अ आर्टिकल किसके साथ लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। इज इट क्लियर। इसी तरीके से अगर मैंने बोला आई एम एन एम ए स्टूडेंट, आई एम एन एम ए स्टूडेंट, अब मैंने बोला क्या, एम ए स्टूडेंट हूं मैं, ऐसे स्टूडेंट पूरा लिख लीजिएगा, मैं एक एम ए स्टूडेंट हूं, तो एम ए स्टूडेंट हूं ना बेटा। अब ये एम जो है, देखो हिंदी से जाओ फिर से, एम है, मेरे को हिंदी में एम लिखना, तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, राइट। अब हिंदी में मैंने एम लिखा तो ये ए जो है, अब आप बताइए क्या ये स्वर में आता है या ये व्यंजन में आता है, किस में आता है, स्वर में आता है। अब स्वर में आता है इसलिए इसके साथ एन सही है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये ए ई आई ओ यू का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में भर दिया गया है बहुत पहले से, दैट हैज टू बी रिमूव, उसे हमें हटाना है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इनके ध्वनि आनी चाहिए, राइट। जैसे एमएलए है मेरे फादर, माय फादर इज एमएलए, अब एमएलए के पहले मैंने क्या कर दिया, यहां स्पेस दे दिया आपको, एमएलए है मेरे फादर, अब एमएलए क्या होंगे, ए ये हो वही वाला जैसे एमए था, तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे क्या आएगा, ए आएगा क्या, ए नहीं आएगा, एन आएगा, गलत है आपका ए, राइट। माय फादर इज एन एमएलए, माय फादर इज एन आरएएस, अगर मेरे फादर आरएएस है तो मैं कैसे लिखूंगी, एन आरएएस या आर ए आर एस, क्या लिखूंगी, आर को हम हिंदी में लिखकर देखेंगे, और क्योंकि हम लिखकर देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि व्हाट इज दिस, स्वर, स्वर है तो इसके पहले हमेशा एन आना चाहिए, दैट्स ऑल, राइट। आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे, हमने काफी कर लिया है, देखो बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, अब आपको बहुत फटाफट समझ में आ जाएगा। अब यहां देखिए, एन का प्रयोग वॉवल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, शब्दों ध्वनि शब्दों के पहले होता है, चलो ठीक है इसको हम देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, ध्वनि हमें लिखना था यहाँ पे, आप लिखिए वॉवल साउंड यानी स्वर ध्वनि, बेटा आप ये प्लीज लिख लीजिए ब्रैकेट में, ये यहां मिस हो गया है तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, राइट। ध्वनि इज वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो एन एक्सरे प्लेट, अब देखिए हमें कभी भी नहीं सिखाया गया बचपन में कि ए ई आई ओ यू के अलावा भी किसी पे एन लग सकता है, लेकिन अगर आप एक्स हिंदी में लिखें, ऐसे लिखते हैं ना हिंदी में एक्स, तो ये क्या है हमारा, द फर्स्ट लेटर इज साउंड इज ध्वनि जो है वो किसकी आ रही है, वॉवेल की आ रही है, तो ए जो है हमारा वॉवेल है, स्वर है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगा दिया, स्वर होने के कारण हमने इसमें एन का प्रयोग किया है। इसी तरीके से देखें, वन वे टिकट वन बता चुकी हूं मैं आपको, पहला साउंड व है इसलिए हमने अ लगाया है, ओ जो है हमारा वो क्या है, ओ इज कौन सॉरी वॉवल स्वर है, लेकिन आवाज किसकी निकाल रहा है, व की निकाल रहा है, और व क्या है हमारा कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हम कभी भी एन नहीं लगाते, इसलिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड तो बहुत सारी परेशानी है, जैसे यूनिक दे दिया है, यूनिफॉर्म दे दिया है, यूनिवर्सिटी दे दिया है ना, इस तरीके से एनोनिमस दे दिया है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे हमें यू मिलता है बिगिनिंग में, लेकिन यू जो है, जैसे मैंने बोला यू, यही यू को ध्यान रखिए, जब भी हम यू लिखते हैं तो हमें हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, इसी तरीके से यहां को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यूनिक या यूनिक सॉरी यूनिक है ये, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे यूनिक, और यू आ रहा है हमें सबसे पहले साउंड पे ध्यान देना है, यू आ रहा है, य आ रहा है, य इज नॉट अ स्वर, य हमारा स्वर नहीं है, य इज अ व्यंजन, व्यंजन है हमारा, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, ए आएगा,
राइट चलते हैं थोड़ा सा और आगे. अम्ब्रेला यू है लेकिन साउंड किसका आ रहा है, यू यू यस से नहीं स्टार्ट हो रहा अभी, अभी ये किससे स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन लगा दिया गया. देखिए ऊपर भी यू था और यहां पे भी यू है लेकिन ऊपर वाला कॉन्सोनेंट साउंड था और नीचे वाला वॉवल साउंड है. अब देखते हैं आगे, इसे देखिए, कैन यू डू इट, एक मिनट का टाइम है आपके पास, करे दो क्वेश्चन है, बहुत आराम से करिए, कोशिश करिए. बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं. जैसे मैं अभी समझा देती हूँ, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, क्या नहीं हूं, वेल्दी, वेल्दी यानी रिच, अमीर, धनी है ना. सो आई कैन नॉट अफोर्ड, इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता टू बाय, खरीदने का मतलब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं खरीद सकता अ एक्सपेंसिव कार, एक एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी महंगी कार, मैं एक महंगी कार नहीं खरीद सकता एज, क्योंकि मैं धनी नहीं हूं. राइट नाउ यू हैव टू फाइंड नाउन्स, आपको नाउन्स ढूंढने हैं और आपको ढूंढना है कि कहां पे आर्टिकल्स की गलती की गई है. तो बहुत आराम से मेरे ख्याल से आपने इस क्वेश्चन को पहचान लिया है. तो देखिए यहां पे आर्टिकल लगा हुआ है और ये आर्टिकल गलत लगा हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि आर्टिकल गलत है, ये है एक्सपेंसिव. अगर हम एक्स को लिखने की कोशिश करें तो ये ऐसा लिखा जाएगा और जब ऐसा लिखा जाएगा तो दिस इज अ स्वर ध्वनि और स्वर ध्वनि के साथ कभी भी अ नहीं आता, एन आता है. तो यहाँ पे सी जो है, डी जो है हमारा वो गलत है, यहाँ पे ए की जगह एन आना चाहिए. बेटा जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ दिए हैं ये सारे एग्जामिनेशन के, किसी ना किसी एग्जाम के, कॉम्पिटिशन एग्जाम के हैं, टफ एग्जाम्स के हैं. तो आप ये मान के चलिए कि ये सारे इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं. तो जो आप यहां कर रहे हैं इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस, तो आप बहुत सीरियसली करें. आइए, ही हैड नो इल्यूजन, इल्यूजन यानी होता है भ्रम, उसे कोई इल्यूजन नहीं था ऑफ बीइंग ईदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर. उसे नहीं था, ये एहसास नहीं था कि वो कभी भी राइटर या एडिटर, राइटर यानी लेखक और एडिटर यानी राइटर ही होता है एक तरीके से, राइटर से बड़ा संपादक जिसको हम बोलते हैं वो होता है एडिटर, तो एडिटर या लेखक वो बनेगा. तो अ आया है, देखिए आपको गलती नजर आ रही है, एडिटर को कैसे लिखेंगे, मैं हिंदी में मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही लिखेंगे, एडिटर ए ही आएगा और एडिटर ऐसे लिखा जाता है. तो ए आ गया हमारा साउंड और ए आ गया तो ये कौन सा साउंड है, वही स्वर का ध्वनि है और स्वर का ध्वनि होने के कारण यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए. इज इट क्लियर, एग्जामिनेशन में ऐसे कोई, और वहां पे देखिए बहुत सिली सी मिस्टेक है, यहां हमें लगेगा इतना इजी आराम से, लेकिन वहां वी आर ऑलरेडी प्रेशराइज्ड, हमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने, अरे ये पैसेज तो वैसे ही नहीं समझ में आ रहा, ऐसे करके बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं. तो हम जो आता है उस पर हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. इसके लिए आप क्या करें, इन सबकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें बेटा. आप चाहे कितनी भी क्लासेस ले लें बट द प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगा. तो इन सबको आप प्रैक्टिस करिए ना क्विक. एक्चुअली प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ये नहीं होता है कि हमें आ जाती चीजें, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमें ये पता चल जाता है किस तरह की गलतियां होती हैं, तो हम उन गलतियों को बहुत मतलब हम क्विक हो जाते हैं गलतियां पहचानने में, गलतियां निकालने में, और ए बी सी डी ई में से हमें कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें जल्दी पता चल जाता है. इसका फायदा हमें सीधे एग्जाम में होता है कि हमारा टाइम बचता है. राइट, तो आइए इसी के साथ अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, आगे देखते हैं. द ए और एन हमने कर लिया, ध्वनियों पे है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें. अभी हम द को आते हैं, देखिए द जो है वो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए, किसी भी ऐसे नाउन चाहे, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ पिछले स्लाइड में जब हम ए और एन को पढ़ रहे थे तो ए और एन जो है क्योंकि उनका मतलब वन होता है, एक होता है, तो लिमिटेड रहता है. काउंटेबल नाउन के साथ तो आता है लेकिन प्लूरल के साथ नहीं आता, सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता. तो वहां पे हमारे पास लिमिट है, लेकिन द जो है उसके पास बहुत सारी दिशाएं हैं जाने के लिए. राइट, तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी आ सकता है, प्लूरल काउंटेबल के साथ भी आ सकता है, और अनकाउंटेबल जैसे कि द न्यूज यू गेव मी, वो न्यूज जो तुमने मुझे दी ट्रू थी, सच थी, जो 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 समाचार तुमने मुझे बताया वो सच था, को डेफिनेट बनाने के लिए. डेफिनेट का मतलब क्या होता है, मैंने बता दिया था पहले, निश्चित है
है ना, निश्चित करने के लिए. जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी सेंटेंस बोला, न्यूज यू गेव मी, जो न्यूज तुमने मुझे दी, है ना. अभी मैंने बोला न्यूज यू गेव मी. अब मैंने यहां पे, क्योंकि न्यूज यू गेव मी तो ये स्पेसिफिक हो गई ना, विशेष हो गए. हम कॉमन न्यूज की बात नहीं करें, न्यूज ऑन आज तक, न्यूज ऑन आज तक चैनल इज इंटरेस्टिंग. अगर मैंने एक सेंटेंस में ये बोला, लेकिन मैंने बोला न्यूज यू गेव मी, वो न्यूज जो तुमने दी. अब ये स्पेसिफिक हो गया, डेफिनेट हो गया, निश्चित. वही न्यूज की बात कर रही हूं मैं जो तुमने दी, दुनिया भर की न्यूज की बात मैं नहीं कर रही. तो यहां पे जरूरत है एक आर्टिकल की, और द सूटेबल आर्टिकल हियर इज ओनली वन, दैट इज द. द ही क्यों सूटेबल है, क्योंकि न्यूज जो है वो अनकाउंटेबल है. पहली बात तो ये ध्यान रखिए, अनकाउंटेबल सिंगुलर है ना, तो अनकाउंटेबल के साथ ये नहीं आता है, और एन नहीं आता है. तो ए और एन तो वैसे ही कट गए. अब द क्यों आया है, न्यूज को स्पेसिफिक बना रहा है, वो वाली न्यूज जो तुमने दी. वो काम हमें द से पता चलता है बेटा. आई वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो. सुनिए कहानी थर्स्टी क्रो की. एक बार की बात है, एक कौआ था, राइट. द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. जैसे ही मैंने दूसरी लाइन बोली, मैंने बोला द क्रो. अब बताइए क्या आपको ये समझ में आया कि यहां पे द क्यों आया. पहली लाइन में तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, एक बार की बात है, एक कौआ था. द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, वो कौआ बहुत थर्स्टी था, प्यासा था. अब ये वो कौआ हो गया ना जो एक बार था, समझ में आ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड विशेष. किसी भी नाउन को विशेष बनाने के लिए, डेफिनेट बनाने के लिए, निश्चित बनाने के लिए, वो उसी की बात कर रहे हैं हम द का यूज करते हैं. लाइक दिस, राइट. यू आर द मैन हु हेल्प मी, तुम वो पर्सन हो जिसने मेरी हेल्प करी थी, तुम ही हो केवल. तो द आ गया ना विशेष. देखिए, दीज आर द गर्ल्स, ये वो लड़कियां हैं, हुम आई हैव इन्वाइटेड, जिनको मैंने आमंत्रित किया था, राइट. तो यहां पे द गर्ल्स आपको समझ में आ रहा है, प्लूरल है, काउंटेबल है. द वॉटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी हो गया ना विशेष, इस कुएं का पानी जो है वो पॉल्यूटेड है, प्रदूषित है, राइट. आइए, तो ये हमारे द के स्पेसिफिक यूज है कि सिंगुलर काउंटेबल के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ, और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है. पर जिसके भी साथ यूज होता है उसको क्या बना देता है, डेफिनेट, निश्चित, सर्टेन, श्योर, विशेष बना देता है. चलिए अब चलते हैं आर्टिकल्स में थोड़ा आगे. देखिए, द का यूज कहां कहां किया जाता है. अभी तो हमने सिर्फ सिंपल सी बात पढ़ी कि द को किसी भी नाउन को विशेष बनाने के लिए यूज किया जाता है, डेफिनेट बनाने के लिए. लेकिन कुछ और नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में विशेष होते हैं, तो उनके साथ हमेशा ही द का यूज किया जाता है. जैसे कि नदियों के नाम के पहले, बहुत पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आज के लेक्चर में, कि नदियों के नाम के पहले हमेशा द आता है, द गंगा या द गैंगेज, क्योंकि गंगा के बहुत सारी चेन है, इसलिए द गंगा, गैंगेज, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द कृष्णा, राइट. समुद्रों के नाम के पहले भी यूज किया जाता है, द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, इस तरीके से. या महासागरों के नाम के पहले, जैसे कि द महासागर यानी ओशन, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, ऐसे आप और भी एड कर सकते हो. पर्वत श्रृंखलाओं यानी पहाड़ की बात कर रहे हैं हम, तो हिमालयास, द हिमालयास, द आल्प्स, इस तरीके से. और देखें हम भौगोलिक दिशाओं के पहले, द ईस्ट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सुना है आपने ये सेंटेंस, राइट. राइज होता है ईस्ट से, तो ईस्ट से नहीं, द ईस्ट से या द वेस्ट से. भौतिक स्थानों या वातावरण बताने वाले शब्दों के पहले, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द वेदर. टॉप यानी ऊंचाई, बॉटम यानी सतह, और सेंटर यानी केंद्र, वेदर यानी मौसम, द वर्ल्ड यानी संसार, द माउंटेन्स यानी पहाड़. द्वीप समूहों के पहले, ये सब आप लोगों को पता है, द एंडमैन्स, द निकोबार्स, द फिलीपाइंस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, आता है ना, द वेस्ट इंडीज ही बोला जाता है, राइट. अच्छा, ये देखिए, ये तो थे सिर्फ नेम, कि ये तो नाम है ही जिनके पहले लगे, जैसे न्यूज़पेपर में भी आता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, इस तरीके से. सुपरलेटिव डिग्रीज, ये गलती से हो गया,
हटा दो उसको. सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव के पहले, जैसे देखो ये ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव क्या होते हैं. डिग्रीज वैसे आपको आता होगा लेकिन मैं एक बार में थोड़ा सा बता देती हूँ. पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तीन होते हैं ना बेटा. तो जो पॉजिटिव और कंपैरेटिव होते हैं और जो सुपरलेटिव होता है, देखो सुपर जिस भी शब्द में पहले सुपर लगा होता है उसका मतलब होता है ये सबसे अच्छा है. पॉजिटिव कोई तुलना नहीं इसलिए कोई द नहीं आता. कंपैरेटिव, पॉजिटिव में द आता है, द सॉरी मोस्ट आ सकता है लेकिन अमोस्ट होगा अगर पॉजिटिव में, क्योंकि तुलना नहीं होती. पर कंपैरेटिव में द नहीं आता क्योंकि दो चीजों में तुलना होती है. लेकिन सुपरलेटिव क्या बताता है, सुपर है, हर चीज से अच्छा है, हर एक दो का कंपैरिजन नहीं सबसे होता है. तो वहां पे द आता है, द मोस्ट या द, जैसे कि अगर या तो मोस्ट लग जाता है उसमें या फिर ईएसटी लग जाता है, द स्मॉलेस्ट चाइल्ड, है ना. तो इस तरीके से तो सुपरलेटिव में द आता ही आता है. देखिए, ओ शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, समझ में आ गया. ही इज द बेस्ट बॉय, इज इट क्लियर. ये जो हमारे हैं दोनों, ये क्या है, आर्टिक वो है एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्री के हैं, राइट. इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं एग्जाम में. देखिए, कैन यू फाइंड आउट क्विकली, देखिए बेटा आपको फटाफट स्पीडली आ गया, राइट. देखिए, अ बेस्ट स्टूडेंट होता ही नहीं है. सुनील जो है एट प्रेजेंट, आज के टाइम में, अभी के समय में, वर्तमान में बेस्ट स्टूडेंट है क्लास का, यानी क्लास के सारे स्टूडेंट्स उसकी तुलना की जा रही है और वो उन सब में सुपर है, सुपरलेटिव है ना. तो द का यूज होगा. सामान्यता ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का यूज होता है. ऑर्डिनल, देखो ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डर वाले एडजेक्टिव. ऑर्डिनल देखो ये याद रखने का तरीका है, ऑर्डिनल यानी ऑर्डर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये ऑर्डिनल है, ठीक है. और एक होता है कार्डिनल, हो सकता है आपको आता हो. कार्डिनल होता है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ऑर्डिनल हमें ऑर्डर से याद रखना, तो इसको ये याद रहेगा ऑर्डिनल यानी ऑर्डर, तो कार्डिनल यानी जो बचा हुआ है नंबर वाले 1 2 3 4, राइट. लेकिन ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज होता है. द वन कार नहीं, द फर्स्ट कार, ऐसे, ठीक है. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो द फर्स्ट आ रहा है. द सेकेंड, द थर्ड, द टेंथ, द हंड्रेड, द थाउजेंड, ऐसे. देखिए, सामान्यतः ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होने पर पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नाउन के पहले द का प्रयोग होता है. ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले तो द हो रहा है, लेकिन इसके पहले अगर द आया है, देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी. देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, देखिए इसको ऐसे समझिए, इसको हटाते हैं एक बार, है ना, इससे कंफ्यूजन होगा. जब भी ऐसा आ रहा है ना कि द फिर नाउन, द फिर नाउन, फिर ऑफ, फिर नाउन, ऐसा हो रहा है, तो पहले वाले जो है उस पर द आएगा. जैसे देखो यहां पे आपको यहां समझ में आएगा वो बेटर, यहां पे तो क्योंकि लिखा हुआ है ना, तो हमें शायद क्लियर नहीं हो, पर दूसरे वाले में देखो, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज, इसको ध्यान रख दीजिए केवल, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है. और यहां बीच में ऑफ जुड़ा हुआ है. जब भी कोई दो नाउन ऑफ से जुड़े हुए हो, राइट, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, है ना, तो जो पहला वाला है उसके पहले हमेशा द ही आएगा. देखो ये बोला, पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, तो ये एन जो है ना यहाँ पे, ये गलत है. एन अटेंशन की जगह होगा द अटेंशन ऑफ द बॉयज. यहां पे द नहीं आता तो भी चलता, पर यहां पे कुछ और नहीं आना चाहिए, यहां पे द आंसर शुड बी द, दिस इज द मिस्टेक. तो आप इसको ऐसे काट दीजिए और लिखिए कि जब भी ऐसा होता है कि दो नाउन्स ऑफ से जुड़े हुए होते हैं, तो पहला वाला जो नाउन है उसके पहले हमेशा द का ही प्रयोग किया जाएगा. बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजीली आराम से हो सकते हैं. आइए, अब हम आ गए हैं उस पड़ाव पे जहां आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, ये तो हमने सीख लिया है. बस इतना ही आता है, कुछ नहीं आता इसके अलावा. आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर आज उठाइए, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं. अब हम आ गए ओमिशन पे. ओमिशन यानी हटाना. कौन सी ऐसी जगह होती है जहां पे हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए, जहां करना गलत हो जाता है. जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी विषय यानी सब्जेक्ट यानी भाषा, लैंग्वेज, खेल यानी गेम्स या स्पोर्ट के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. जैसे कि द क्रिकेट यू प्ले इज वेरी फाइन, क्या गलती की, मैंने बहुत अच्छा इंग्लिश बोला, द क्रिकेट यू प्ले,
इज वेरी फाइन. अब बताइए क्या ये गलत सेंटेंस है या सही सेंटेंस है. बताइए. देखे ऊपर. ही इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री. ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री नहीं आता क्योंकि सब्जेक्ट है, इसके पहले द नहीं लगता. इस तरीके से शी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश. तीनों क्या है? लैंग्वेजेस हैं बेटा, और लैंग्वेजेस के पहले द का यूज नहीं होता है. आते हैं नेक्स्ट पे. अच्छा, इस नेक्स्ट पे चलने से पहले इसको क्लियर कर लें. द क्रिकेट यू प्ले. देखो यहां पे ये जो द है ना, ये सही है बेटा. क्यों सही है? क्योंकि ये यू प्ले वो क्रिकेट जो तुम खेलते हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट गेम. आई लाइक द क्रिकेट मोस्ट. ये गलत है. आई लाइक क्रिकेट द मोस्ट. राइट, क्योंकि द मोस्ट इसलिए क्योंकि सबसे बेहतर और क्रिकेट स्पोर्ट्स है, इसलिए इसके पहले द नहीं आएगा. राइट. किसी पोजेसिव एडजेक्टिव माय, योर, आर. राइट, के पहले द नहीं आता है. माय, योर, आर, हिज, हर, इस तरीके के पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. इनके पहले कभी आई हैव द हिज कार सुनाई गया कभी इस टाइप का सेंटेंस? नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता. इसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पहले नहीं आता. देखो एक चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पे. वैसे तो इसमें अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपको मैंने अभी पहले भी बताया था आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं. इसी तरीके से एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं, और एक साथ दो डिटर्मिनर्स का यूज नहीं किया जाता. आई हैव दिस पेन, या आई हैव द पेन, या आई हैव अ पेन, ये हो सकता है. लेकिन आई हैव अ दिस पेन, गलत है ना. दो डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आएंगे. तो आप यहां पे नोट कर लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए बेटा. किसी भी डिटर्मिनर मतलब एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर है, इसलिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस. दिस इज अ माई हाउस या द माई हाउस. रॉन्ग, क्योंकि माय जो है वो भी एडजेक्टिव है, और द जो है वो भी, सॉरी, माय जो एडजेक्टिव है वो भी डिटर्मिनर है, और अ जो आर्टिकल है वो भी डिटर्मिनर है, एक साथ नहीं आएंगे. द हाउस, दिस हाउस इज माइन. दिस समझ में आ गया? दिस जो है वो हमारा क्या है? डिटर्मिनर. इसके पहले द नहीं आएगा. ईच बॉय वॉज रेडी. ईच हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के पहले द या ए या एन नहीं आता. आते हैं और नेक्स्ट पे. काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ये वो शब्दावली है. शब्दावली नहीं, फिर से आप लिख लीजिए. इसको हम क्या बोलेंगे? वाक्यांश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं. मैंने शुरू में बताया था आपको, मैं भूल रही हूं वाक्यांश को. फ्रेज, तो फ्रेज लिख लीजिए आप यहां पे. फ्रेज, इन फ्रेजेस के पहले भी द का यूज नहीं होता. जैसे कि ऑलरेडी, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ है, अ लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ, मैंने बता चुकी हूं ये आपको पहले कि इन सब के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता. जैसे अ काइंड ऑफ नहीं होता, अ टाइप ऑफ नहीं होता, अ सॉर्ट ऑफ या द सॉर्ट ऑफ नहीं होता है. एग्जाम्पल्स देख लीजिए. आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, या फिर आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन. ये देखिए, इस तरीके के एग्जाम में गलती दी जाती है. ही हैज बीन प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एन एसपी. नहीं आएगा क्योंकि रैंक ऑफ लगा हुआ है इसके आगे. ये ध्यान रखिए बेटा, इसको आप ऐसे सर्कल करिए और आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने बता दिया था एसपी, फिर आपका दिमाग दौड़ जाएगा वहां पे कि मैम ने बताया था एस तो है जो, वो इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, तो इसके साथ हमें एन लगा देना. लेकिन ये दिमाग लगाओ कि ये रैंक ऑफ है जो इस लाइन में लिखा हुआ है. राइट, ये रहा. तो रैंक ऑफ के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता है. राइट, लॉट ऑफ मनी. राइट, अ लॉट ऑफ द मनी नहीं, क्योंकि अ लॉट ऑफ ऑलरेडी आर्टिकल लेके चलता है और कुछ नहीं आता इसके साथ. देखे, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद ए या एन का यूज हो सकता है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो. ये हमारा अपवाद है, एक्सेप्शन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में. इनके अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो तो हम ए या एन का यूज करेंगे. देखिए, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही. किस तरीके का सिंगर है, किस तरीके का गायक है ये. तो यहां पे क्योंकि व्हाट आ रहा है, क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए अ लगा दिया है. ही इज टाइप ऑफ अ सिंगर. ये गलत है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक में आएगा. राइट, आते हैं नेक्स्ट. लास्ट देख लेते हैं.
निम्नलिखित फ्रेज में आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। ये बहुत सारे फ्रेजेस हैं, बाय पोस्ट, बाय चांस, बाय मैसेंजर, बाय चेक, बाय एयर, बाय लैंड, बहुत सारे हैं, आप पढ़ लीजिए। इनफैक्ट, इन डिटेल, इन लाइफ, इन क्राइसिस, इन डिफिकल्टी, इसी तरीके से ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी। ऑन स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल पे होना, ड्यूटी का मतलब आपको पता ही है ऑन फुट यानी पैदल, पेमेंट यानी ऑन पेमेंट मतलब होता है कीमत पे, ऑन लीव यानी छुट्टी पे, ऑन डिमांड ऑर्डर के अनुसार। इस तरीके के फ्रेजेस हैं जिनके साथ कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। अगर इंक, देखिए लास्ट वाला, राइट इन इंक है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारा प्रपोजिशन विद है तो आर्टिकल आता है। प्लीज हाईलाइट इट, आर्टिकल विद होता है तो आर्टिकल आता है, ओ सॉरी, प्रपोजिशन विद हो तो आर्टिकल आएगा, प्रपोजिशन इन है तो आर्टिकल नहीं आएगा। तो हमारे क्वेश्चंस, पीपीटी पूरी हो चुकी है, मैंने आपको पूरे आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं, नाउ इट इज टाइम फॉर रिविजन। तो आप रिविजन करिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, देर आर 10 सेंटेंसेस शायद, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम है, क्योंकि आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है। क्विक सर्च करिए, देखें आप कितनी जल्दी ढूंढ पाते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। कोई भी वर्ड डिफिकल्ट है उसको छोड़ दीजिए, टफ को छोड़ दीजिए, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही मिलेंगे शब्द, तो आप क्या करेंगे वहां पे, पहले डिक्शनरी लेके थोड़ी ना बैठेंगे, हमें जो है उसको उस स्थिति के अकॉर्डिंग ही डील करना है, तो आप इन्हें डील करिए। नेक्स्ट स्लाइड्स में भी क्वेश्चन है, आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस करिए, उसके बाद हम सबका एक साथ सॉल्यूशन करेंगे। सेंटेंस बिल्कुल इजी नहीं है और ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल इजी नहीं आते, तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइए अब हम चलते हैं सॉल्यूशंस पे, सबसे पहले आते हैं नंबर वन। देखिए, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, साइंस में क्रेडिट जाता है एक व्यक्ति पे, हु कन्विंसेस, जो कन्विंस करता है वर्ल्ड को, है ना। अब देखिए बेटा, किस पे जाता है क्रेडिट, जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है, हु आ गया, यानी हु जो है क्यों आता है सेंटेंस को स्पेसिफाई करने के लिए, उस व्यक्ति पे जाता है जो कि कन्विंस करता है, जो वर्ल्ड को मनाता है कि हाँ ये सही है, तो हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करें, निश्चित, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज थर्स्टी, क्रेडिट गोज टू अ मैन, आई नो द पर्सन हु किल्ड माय फ्रेंड, आई नो द पर्सन हु किल्ड माय फ्रेंड, हु आता क्यों है स्पेसिफाई करने के लिए, मैं उस व्यक्ति को जानती हूं जिसने मेरे दोस्त को मारा है, तो उस व्यक्ति यानी स्पेसिफिक, बिल्कुल वही केस है, तो अ की जगह यहां पे द आएगा, बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे, इट इज ओनली, देखिए पहले वाले में क्या था, निश्चित करना था, हु आ गया तो हमें डेफिनेट बनाना है आर्टिकल, इनडेफिनेट यूज किया गया यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे में, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज, वॉर इज ओवर, जब वॉर यानी युद्ध खत्म हो जाता है तब लोग ये रियलाइज करते हैं, ये एहसास करते हैं कि ये कितना बुरा था, जब वॉर चल रहा होता है तो हम लड़ते होते हैं, लेकिन वॉर जब खत्म हो जाता है उसके बाद हमें ये एहसास होता है, तो हम यहाँ पे किसी विशेष वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, पर तो यहाँ पे वॉर को डेफिनेट क्यों बनाया गया है, इनडेफिनेट होगा, ये क्या होगा, ए जुड़ेगा या एन जुड़ेगा, क्या सोच रहे हैं, एन तो नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, इसको हिंदी में हम लिख के देखें, वॉर, व जो है हमारे स्वर में नहीं आता, व्यंजन में आता है, तो हमारा अ यहाँ पे करेक्ट होगा द की प्लेस पे, दूसरे में बी गलत है। आइए तीसरे में चलते हैं, He said that he felt nervous. उसने कहा कि उसे nervous feel हो रहा था, घबराहट हो रही थी, because a friend of his had given him a very bad news. क्योंकि उसके जो दोस्त हैं उसने उसको बहुत ज्यादा bad यानी खराब news दे दी है। अब बताइए इसमें क्या करेंगे हम? Can you find out? बहुत easy है ये वाला, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, ये ऊपर वाला हम हटा देते हैं। अब बताइए क्या गलती है इसमें? देखिए इसमें गलती क्या है, अगर आपको मिल गई होगी, आई थिंक मिल गई होगी, न्यूज है बेटा, वही शब्द है न्यूज यानी समाचार,
जो कि अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसके आगे कोई आर्टिकल ए एन तो नहीं लगता, पर इसके आगे ए लगा रखा है। ओह वेरी बैड न्यूज, एक बहुत खराब समाचार, एक अनकाउंटेबल है, एक नहीं आएगा। तो दिस अ शुड बी ऑमिटेड हियर, ऑमिट हो जाना चाहिए, ऑमिशन हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो सिर्फ अ हटाइए, क्रॉस लगा दीजिए, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम में तो आपको ए बी सी डी ही चुन के आना पड़ता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ए बी सी डी चुन के आना है, तो मैम हमें रीजन क्यों बता रही, कारण क्यों बता रही है? तो मैं कारण इसलिए बता रही हूं क्योंकि एग्जाम में ए बी सी डी गिन के थोड़ी लगा के आओगे आप कि इस पे 10 आ रहा है चलो इस पे लगा देते हैं, नहीं ना। हमें वहां पे कारण पता होना चाहिए, देना नहीं होता हालांकि, लेकिन जब तक कारण नहीं बताओगे तब तक आपका आंसर सही नहीं हो सकता। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पे। When the house was set on the fire, all the people started, जब हाउस में आग लग गई सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, उनकी आवाज जितनी ऊंची जा सकती थी उतना चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया जब हाउस में फायर लगा, आग लगी। सेट ऑन द फायर, बता सकते हैं कि आप इसको देखा अभी पीछे, देखिए फ्रेजेस चेक करिए, ऑन फायर होता है या ऑन द फायर होता है, इट इज ऑलवेज ऑन फायर। तो यहां पे क्या होगा, बी ऑप्शन में गलती है, ऑन द फायर लिख दिया गया, इसकी जगह पे आप सिर्फ ऑन फायर करें। आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर फाइव पे। नंबर फाइव देखें, डोंट टॉक टू हिम, उससे बात ना करें, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, वो आजकल हमेशा टेम्पर में रहता है, गुस्से में रहता है, उससे बात ना करें। तो इन टेम्पर की जगह क्या आएगा, इन अ टेम्पर आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्या आएगा आप बताएं, द आएगा क्या, हमने पढ़ा था शुरुआत में इन अ टेम्पर, राइट। तो आप इसको गोला बना के लिखिए, इन अ टेम्पर फ्रेज वाला है, ये हमने करा है अभी सुबह ही, इसी लेक्चर में ही करा है इनफैक्ट। ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, वो बोस्ट करता है, वो तारीफ करता है खुद ही, बोस्टिंग यानी खुद की तारीफ करना, ऑफ मैथमेटिक्स, वो खुद की तारीफ करता है कि उसको बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज है, जानकारी है। बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, लेकिन सबको पता है कि वो कितना अच्छा है, ये कमेंट है उस पर, पर हमें इस सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमें आंसर निकालना है। तो हैविंग गुड नॉलेज कुछ नहीं होता, इट शुड बी हैविंग अ गुड नॉलेज, चेक कर लीजिए, फ्रेज हैविंग अ गुड नॉलेज होता है, यहां पे आपको अ लगाना है। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, बाय अ मिस्टेक उसे गलती हो गई कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक, इट्स नॉट अ मिस्टेक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ मेरे ख्याल से, कैसे किसी का हाथ पकड़ सकता है। एनीवेज हमें तो मिस्टेक ढूंढनी है, गलती ढूंढनी है, लेकिन गलती कहाँ है, बाय अ मिस्टेक की जगह बाय मिस्टेक होगा, बाय मिस्टेक मुझसे ऐसा हो गया, तो इट्स नॉट बाय अ मिस्टेक। अ को हमें क्या करना है, हटाना है, ऑमिट करना है, और हमारा आंसर होगा बी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। ही यूजेस द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट अ वायलेंस, वो वायलेंस को दिखाने के लिए, वायलेंस यानी हिंसा को दिखाने के लिए मॉक हेरोइक, मॉक हेरोइक मतलब होता है किसी हुई हुई घटना का मजाक उड़ाना, तो मजाक के वे में वो वायलेंस को डिपिक्ट करता है, डिपिक्ट करना यानी शो करना यानी प्रस्तुत करना, प्रस्तुत लिखिए बेटा आप हिंदी में, प्रस्तुत करना अगर आपको नहीं आता तो, राइट। अब इसमें देखिए क्या होगा, वायलेंस इट इज अ नाउन, हिंसा, हिंसा कभी भी गिनने वाली नहीं होती, वायलेंसेस सुना है क्या आपने, बहुत सारे दिमाग की खिड़कियां खोल के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये नाउन है लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इसमें एस या यस नहीं लगता, और एस या यस नहीं लगता तो हमें ए या एन कैसे लगाना होगा, नहीं लगेंगे ये भी, तो ए लग गया, गलत हो गया, ए को काट दो सही हो जाएगा। यूज इज द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट वायलेंस। नंबर नाइन पे चलते हैं, मैं पहले क्लीन कर देती हूं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे पहली बात मैं सेंटेंस की बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, इसलिए नहीं कि रिपीट होगा एज इट इज आ जाएगा, नहीं, जो तरीका इसमें पूछा गया ना वो हमें हिलाने वाला है, देखिए कैसे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो जब हम तुलना करते हैं ना, कंपैरेटिव में तुलना करते हैं दो में, और सुपरलेटिव में तुलना करते हैं एक की
सबसे, ठीक है। तो यहां पे इसमें लिखा है क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनी अदर्स, ऑफ ऑल अदर्स। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि ये सब में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी इसकी तुलना नहीं की गई है। सेंटेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है यहां पे, क्योंकि जहां पे तुलना की जाती है एक की सबसे, वहां पे तो द मोस्ट आता है, लेकिन मोस्ट लिख दिया लेकिन तुलना नहीं की गई। ध्यान से सुनना, मोस्ट लिख दिया लेकिन तुलना नहीं की गई, तो यहां पे द मोस्ट की जगह अ मोस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सुपरलेटिव का सेंटेंस ही नहीं है। एक की सबसे तुलना नहीं की जा रही, एक का को पॉजिटिवली बताया जा रहा है कि ये अच्छा क्वेश्चन है तैयार करने के लिए, तुम्हें अच्छे से तैयार करना चाहिए, तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। तो ये अ मोस्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें इसकी तुलना नहीं की जा रही। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पे चले, द गैंगीज, ये बिल्कुल सही है, द के साथ गैंगीज सही है ना, तो यहां पे मिस्टेक नहीं है। इस फॉर नॉर्थ इंडिया, गैंगीज यानी गंगा नॉर्थ इंडिया के लिए वही है व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया, जो कृष्णा साउथ इंडिया, हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए गंगा उतनी महत्वपूर्ण है जितनी साउथ इंडियंस के लिए कृष्णा। यहां पे दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो यहां पे देखिए हमारा आर्टिकल कहां आना चाहिए, रिवर्स के नाम के आगे आना चाहिए, तो गंगा में तो लगा दिया लेकिन कृष्णा में भूल गया। वो भूला या हम भूले, हमें निकालना है कि भाई आप भूल गए हैं, कृष्णा के पहले तो द लगना चाहिए, राइट। आइए बेटा, तो इसी के साथ जैसे ही हमारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस खत्म होते हैं, इसका मतलब हमने पूरा कर लिया कंटेंट को, तो यानी हमने पढ़ भी लिया, हमने उसकी कोशिश भी कर ली कि कैसे इसको एग्जाम में आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम कर चुके। आफ्टरवर्ड्स नाउ हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे मेरी तरफ से तो क्लास खत्म हो गई, लेकिन आपकी तरफ से क्लास तब खत्म होगी जब आप आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास बुक्स की कोई कमी नहीं होती, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं होती, और क्योंकि हम सारे आर्टिकल्स को पढ़ चुके, तो आप क्वेश्चंस निकालिए, बुक्स निकालिए, सॉल्यूशंस देखिए, आप देखिए कि आप बेटा इन्हें सबसे पहले तो आप एक काम करिए, जो आपने आज पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। आप 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में आप इसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो सिर्फ 15 मिनट आपके रिविजन के, और फिर आप एक घंटा दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर इस प्रैक्टिस को आप रोज करेंगे, 15 मिनट आज करेंगे तो कल इसको 10 मिनट ही पढ़ना है, परसों इसको 5 मिनट पढ़ना है, और फिर अगर आप रोज करेंगे तो हर रोज 5-5 मिनट इस पेजेस को देख लीजिए, आपको ये रिवाइज भी हो जाएगा और प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करिए, तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, राइट। तो अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस मत छोड़िए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।